अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बना रही हूँ डबल नेक डिज़ाइन। डबल नेक डिज़ाइन बनाने के लिए पहले फ्यूज़िंग पेपर पर 9.5 इंच और डाउन आप 15 इंचेस पे मार्क करें। ऐसे नेक लाइन का डिज़ाइन ड्रा करें। इसके सेंटर का ख्याल रखें, ऊपर से इसकी विड्थ है 9.5 इंच और नीचे से है 6 इंचेस। नेक के पैटर्न की कटिंग कर लें। अब इसके अंदर का जो छोटा नेक बनेगा उसके लिए अपनी नेक की मार्किंग करें, जितना नेक आपको चाहिए। मैंने तकरीबन ये 6 इंचेस वाइड लिया है। और लंबाई इसकी उतनी रखें जितनी उस बड़े वाले नेक डिज़ाइन के अंदर पूरी आ जाए, इस तरह से ऐसे कपड़ों पर चिपका लें। अब जो इसकी पट्टी है उसके लिए पाइपिंग कट करें। ये शर्ट का ही बॉर्डर है जिसे मैंने इसके साथ अटैच किया है और अब इसे इसके साथ स्टिच करूँगी। ये फैब्रिक विस्कोस है और ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा है मशीन से। अब जो नेक का राउंड हिस्सा है वो रेडी करें, उसके नीचे फैब्रिक लगा के उसे साथ स्टिच करें। सेंटर से इसकी कटिंग कर लें। मार्जिन सिर्फ उतना ही छोड़ा है जितना के पाइपिंग के लिए चाहिए होता है। कपड़े को सीधा करें। इस पट्टी को पाइपिंग की तरह फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगाएं। ये जो इसका ओपन स्लिट है इसके नीचे लगाने के लिए भी फैब्रिक रेडी करें। जितना आप फैब्रिक उसके नीचे लगाना चाह रही हैं उसे मैंने स्टिच इसलिए किया है क्योंकि इस फैब्रिक के धागे निकल रहे हैं। ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच का छोड़कर ये नीचे पट्टी लगाएं। नेक के साइड पर मुझे ये बारीक डोरी लगानी है, बिल्कुल बारीक जो तिल्ला डोरी होती है। आप इसकी जगह पे कोई भी लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
डोरी लगाने के बाद अब जो शर्ट पर इसका बड़े वाला नेक हमने तैयार किया था उसके नीचे फैब्रिक लगाएंगे। दूसरा नेक जो इसके अंदर पीस लगना है वो हमारा रेडी हो गया है। अब इसे रेडी करेंगे। फैब्रिक लगा के इसे मैंने सिलाई कर लिया है। अब अंदर वाले फैब्रिक की कटिंग कर दें बिल्कुल उसी तरह से जैसे दूसरा नेक लाइन रेडी करते हैं। इस तरह से इसे सेट करें। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है ये, इसलिए मुझे इसे पिन अप करना पड़ रहा है। अगर लॉन वगैरह हो, कॉटन हो, तो वो ऐसे ही स्टिच हो जाएगी। अंदर वाला जो पीस है कपड़े का जिस पर हमने छोटा वाला नेक रेडी किया है उसे बिल्कुल इसके सेंटर में फिक्स करें। पिन्स को हटाते जाएं और इसे स्टिच करते जाएं। और ये मैंने इस पे लेस भी अटैच कर ली है। अब इसके सेंटर वाले स्लिट पर मिरर, मैं मिरर लगाऊंगी। आप कोई भी बटन, कोई भी टसल्स, हैंगिंग्स आप यूज़ करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।